miss you. Your room, sir? Oh, nice hotel, eh? I like it. Thanks. I hope you like your suite, sir. Yes, it's quite nice, actually. Thank Ricky, you. कल शाम को 5:30 बजे तुम्हारे शो की टेक्निकल रिहर्सल है. लेकिन उससे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, एंजल म्यूजिक के CEO से तुम्हारी मुलाकात. Hi. I'm Natasha, CEO Angel Music. Welcome to America. Thank you. Yakeen mani Natasha ji. Only Natasha. Okay. Yakeen mani Natasha, abhi is chamber mein aane se pehle main thoda nervous sa tha. Maine socha ki is kursi par koi mota chashma pehne mein koi senior baitha hoga. Lekin yahan ke dekha to No wonder इस कंपनी का नाम एंजल म्यूजिक है. Thanks for the flattering compliment, Vicky. You're welcome. Come on. Sure, after you. I must say, Vicky, you're quite a charmer. Really. Come. एंजल म्यूजिक में जब भी हम किसी आर्टिस्ट को साइन करते हैं उसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं. एक आर्टिस्ट के अनगिनत रूप होते हैं, जितनी उनकी गहराई में जाए तब भी लगता है उनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है. एक बात पूछूं नताशा? मुझे क्यों तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है? कैसे पहले हम कहीं मिल चुके हैं? इस मुलाकात से पहले हम कभी नहीं मिले. ओ, मेरे रिहर्सल का टाइम हो गया, मैं चलता हूं. I'll take it. Thank you. मैं आपको शो में मिलता हूँ. डॉक्टर ने कास्ट निकाल दिया है, लेकिन ये छोड़ो विकी, तुम बताओ शोज कैसे रहे? It was spectacular, out of this world. Oh विकी, I am so happy. और इन सब चीजों का क्रेडिट नताशा को जाता है. विकी, I'd really like to thank her. She's right here. एक मिनट, बात करो. My girlfriend अंजलि. हेलो अंजलि. हेलो नताशा जी. अब अगर तुमने जी लगाकर बात की तो मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगी. आई एम सॉरी नताशा, पर मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है. बट थैंक्स, थैंक्स अ मिलियन. इट्स अ प्लेजर. शो के दौरान पब्लिक तो क्या, मैं खुद अपने आप को भूल गई थी. ओ नताशा, काश मैं वहां होती. आई एम जस्ट रियली रियली मिसिंग इट ऑल सो मच. इसके बारे में तुम विकी से बात करो. अंजलि, Now, no more talking on the phone, okay? मैं कल की पहली फ्लाइट से वापस लौट रहा हूँ. Love you, John. I love you too. Bye. Welcome, sir. Natasha, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं. मैंने तुमसे इतना कुछ पाया है, अगर इसके बदले कभी जिंदगी में मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा. Really? Yes, I mean it. कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम कल का दिन मेरे साथ मेरे पास गुजारोगे? Sure. You take care. Bye. Bye. Oh
उस दिन तुमने मुझसे पूछा विकी, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? और मैंने कहा नहीं, सच कहा था मैंने। लेकिन एक सच और भी है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें बरसों प्यार किया है, उन कॉलेज के दिनों से जब तुम स्टेज पर गाया करते थे और तुम्हारे सारे शोज फ्लॉप हो जाते थे। यूं ही गुनगुनाते रहे, सदा मुस्कुराते रहे, बोले डिंग डॉंग डिंग डॉंग, कम ऑन एवरीबॉडी सिंग अ सॉन्ग। Shit man, we messed it up. Hey guys, don't lose hope. The principal has given us one more chance. Thank God. मुझे समझ में नहीं आ रहा। Where did we go wrong? जो भी है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम। Thank you. Yo, what's going on, man? How you doing? Vicky, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम्हें धुन की भी समझ है, पर उसमें वो गहराई नहीं है क्योंकि तुम्हारे अल्फाज गलत हैं। इन शब्दों को महसूस करोगे तो तुम्हारी धुन में कशिश आ जाएगी। Anyhow, we have to find out कि हमारी मदद किसने की। बढ़ाओ, think guys, think, सोचो ना। I think I got it. My success is your gift to me. And I want to celebrate it with you today at Boathouse Cafe at 6. Ricky. ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, जिसके तुमने ख्वाब देखे आज हकीकत में उससे मिलने जा रही हो। Oh Dad, I'm just too excited. पर एक बात का ध्यान रखना नताशा, अपने दिल की बात आज ही उसे कह देना। वो मुमकिन नहीं है डैड। But why? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। What? और तुम ये जानते हुए भी विकी से कैसे प्यार कर सकती हो? डैड, मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि शायद मुझे विकी का प्यार कभी नहीं मिले। और वैसे भी प्यार कोई बिजनेस नहीं है जिसका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता हो। प्यार तो एक भावना है, एक सच्चाई है। भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सभी को भगवान थोड़ी मिलता है ना डैड? Why don't you understand, Natasha? जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उस पर तुम्हें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। Don't worry, Dad. I'm an achiever. Believe me, मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा। I wish you all the best, my child. Bye, love. Bye, Dad. पता नहीं विकी, मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। I spoke to his father. Yeah, I told. Hello? Natasha, तुम्हारे डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया है। I'm sorry. He's no more. मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। चले गए वो और मेरे नाम छोड़ गए ये मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी की चाहत सिर्फ तुम थे विकी, सिर्फ तुम थे। और तुम्हारी चाहत थी म्यूजिक, तुम एक पॉप स्टार बनना चाहते थे, इसीलिए चल पड़ी मैं उस सफर पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने और अपनी मंजिल पाने। मैंने एक म्यूजिक कंपनी एस्टैब्लिश की और उसकी ब्रांच इंडिया में खोली।
तुम्हें लॉन्च करवाया, तुम्हारे ख्वाबों को जीकर उन्हें हकीकत का रूप दिया, और कल एक दिन के लिए रुककर तुमने मेरे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। मैंने इस पल के लिए बरसों इंतजार किया है विकी, बरसों इंतजार किया है, बरसों इंतजार किया।